नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर वन और लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान उपस्थित है हमारे स्टूडियो में। आपका परिचय दूंगी मैं। हमारे साथ उपस्थित है मिस्टर टीम वीवो इंडिया 2019 के विनर अनुराग गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ आपके इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। थैंक यू, वेलकम। शुरुआत करते हैं कि अभी इस वक्त आपको कितनी खुशी और कितना गर्व महसूस हो रहा है। एक्चुअली कभी सोचा नहीं था कि इतनी दूर तक पहुंच जाऊंगा। जब पहली बार गया था ऑडिशन देने, तब तो लगा था यार इतने अच्छे अच्छे, चलो कुछ नहीं होगा, बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लेते। लेकिन फिर बाद में हौसला आया कि नहीं यार, चलो आए तो कुछ करके ही जाते। तो फिर आगे पहुँचते गए और फाइनली मिस्टर डीवो मेरा नाम हो गया। चलिए, बहुत ही अच्छा। तो ये जो जर्नी है, ये कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? ये जर्नी शुरू हुई थी मेरी, मैंने जब मुझे पहली बार पता चला कि हमारे लिए जो यूथ है उन लोग के लिए एक नया पेजेंट निकला मिस्टर टीन इंडिया, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। मैंने भी पार्टिसिपेट किया तो पता चला कि 16 स्टेट्स में ऑडिशन होने वाले। अच्छा। तो मेरा जो ऑडिशन स्टेट था वो कोलकाता था। अच्छा। तो मैं कोलकाता गया तो मैंने वहाँ पे देखा मोर देन 10,000 ने अप्लाई किया है और ऑडिशन देने में सारा दिन तो वहीं पे लग गया, सुबह से शाम तक। उसके बाद ऑडिशन दिया, उसके बाद फिर बाद में पता चला कि आई एम सिलेक्टेड। कोलकाता में सिर्फ और सिर्फ 2000 बच्चे सिलेक्ट हुए थे जिन्होंने दिया था, तो आई वॉज वन ऑफ देम, सो आई वॉज रियली फीलिंग लकी फॉर दैट। एंड देन उसके बाद सेमीफाइनल आने के लिए दिल्ली बुलाया गया, तो मैं दिल्ली भी गया तो वहाँ पे 10,000 बच्चे थे जो थे, तब वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस लो लगा, बट ओके गए। वहाँ पे अश्मित पटेल भी आए हुए थे जो बॉलीवुड स्टार है, उन्होंने खुद पर्सनली इंटरव्यू लिया। उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ से टॉप 40 बॉयज़ को सिलेक्ट किया एंड आई वाज वन ऑफ दोस, सो इट रियली फील स्पेशल। बहुत ही अच्छा लगा। आप जैसे कि सुन रहे इनकी जर्नी के बारे में, ये जर्नी इनकी बहुत ही बेहतरीन रही है, बहुत ही शानदार रही है। तो 10,000 बच्चों के बीच में से जब आप वहाँ सेलेक्ट हुए कोलकाता में, फर्स्ट राउंड जहाँ पे आपका हुआ, उस वक्त आपकी फीलिंग्स कैसी थी? उस वक्त ऐसा लगा कि यार नहीं, मैं भी बहुत कुछ हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ तक आप जो पहुँचे, तो आपकी फैमिली के सपोर्ट और आपकी जो गुरुजी, हम कह सकते हैं कोई गुरुजी जिसके पास आपने कभी सीखा हो? नहीं, मैंने किसी के पास सीखा नहीं। और मेरी जो गुरु है वो लाइफ टाइम के लिए, वो मेरी मॉम है, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से लेकर अभी तक सब कुछ सिखाया, कैसे पोज करना है या फिर कैसे मेकअप करना है, सब कुछ उन्होंने ही सिखाया आज तक। इसलिए गुरु तो मॉम ही है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक माँ ही जननी होती है, एक माँ ही बच्चे के लिए पहली गुरु होती है, तो वो बेशक हर क्षेत्र में साबित हुआ है ये बात। और आज भी हम इनके मुंह से सुन रहे हैं कि इनकी माँ ही एक पहली गुरु है हर क्षेत्र में इनके लिए। तो अभी जैसे कि हम जानते हैं कि 5 सितंबर को आ रहा है शिक्षक दिवस, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? माँ एक टीचर होती है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग अपने माँ को रिस्पेक्ट नहीं करते, प्लीज़ उन्हें रिस्पेक्ट करो। चाहे माँ कैसी भी हो, माँ माँ है, उन्होंने आपको जन्म दिया है। इसका मतलब उन्होंने जब आपको जन्म दे दिया, वही आपका लाइफ स्टार्ट हो गया, तो आपका लाइफ उनसे ही स्टार्ट होता है और उनसे ही ख़त्म होता है। तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो और उन्हें कभी भी मतलब डिसरिस्पेक्ट मत किया करो, बस। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे बात ये बता रहे हैं। जैसे कि हम सुन रहे हैं कि आप जो भी दर्शक हैं, अपने माता पिता को हमेशा उतने ही तजब्बू दीजिए जितने आप दूसरे लोगों को देते हैं, दूसरे भी किसी भी गुरुजन को देते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम जानना चाहेंगे कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में अभी क्या कर रहे हैं? मैं अभी क्लास 11 में हूँ, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो आगे फ्यूचर में आप क्या बनने के लिए सोच रहे हैं? क्या इसी क्षेत्र में जाना है या फिर स्टडी के हिसाब से कहीं और? एक्चुअली मेरा तो मोटो था कि मैं स्टडीज़ लेके कुछ करूं। मुझे बहुत, जब ये लॉन्च हुआ था मिस्टर टीन इंडिया, तो बहुत एक्साइटेड था, इसलिए मैंने गया था ये ऑडिशन देने। बट मेरा हमेशा से बचपन से मोटो रहा है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, इसलिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया ताकि मुझे आसानी हो आगे ये परस्यू करने में। तो आप, हम कह सकते हैं कि आप इस मॉडलिंग के क्षेत्र से हटकर आप IAS बनने जा रहे हैं? हाँ, अगर मुझे चांस मिला गया कि मुझे मॉडलिंग चूज करनी है IAS, तो डेफिनेटली मैं IAS चूज करूंगा, बिकॉज मैं अपने कंट्री को पहले सर्व करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो यही होती है एक हिंदुस्तानी की, जो कि हमेशा अपनी मिट्टी को और अपनी मातृभूमि को ज़्यादा महत्व देते हैं। और यही एक कला है कि हम अपने पैशन को अलग रख के देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अनुराग जी, हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? जब भी मुझे टाइम मिलता है आई ऑलवेज डांस, बस कान में हेडफोन चाहिए, हाथ पैर अपने आप चलने लगते हैं।
चलिए बढ़िया है। तो मतलब म्यूजिक संगीत से और इनको डांस से बहुत ही ज़्यादा प्यार है हम कह सकते हैं। तो आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि आगे आप IAS बनना चाहते हैं, देश को और आगे काम करना चाहते हैं, इसके साथ साथ और आप क्या करने पसंद करते हैं? मुझे IAS के अलावा मुझे मतलब जो फ्यूचर में परस्यू करना चाहता हूँ, IAS अगर नहीं बना तो मुझे लॉयर बनने का बहुत मन है ताकि मैं कोर्ट में जाऊँ, वहाँ पे जजेस के साथ इंटरेक्ट करूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा होती है वो लाइफ में हर चीज़ अचीव कर सकता है। तो मुझे लॉयर में बहुत इंटरेस्ट है अलावा IAS के। चलिए मतलब प्रशासनिक क्षेत्रों से ही आप घूमते फिरते रह रहे हैं। हाँ, मुझे इसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। चलिए बढ़िया है, साथ ही साथ आपके साथ एक नाम भी जुड़ गया है मिस्टर टीन डिवो के। तो आपके जो जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो भी फैमिली से, उनके तरफ से आपको कैसे रिस्पॉन्स मिल रही है, क्या कह रहे वे लोग? मेरे फैमिली ने मुझे एक्चुअली हमेशा सपोर्ट किया है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, चाहे फेल हूँ या फिर सक्सेस, उनका जो साथ है वो कभी नहीं छूटा है। तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि फैमिली ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, और जो फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। जब भी मुझे उन्हें पता चला कि मैं मिस्टर टीन ऑफ डिवो इंडिया बनाऊँ, उन्होंने उनका कॉल मुझे आया और वो हमेशा यही कहते भाई पार्टी चाहिए। तो पार्टी दिया आप? फिलहाल तो अभी तक उनसे मिला नहीं हूँ, पर जब मिलूंगा तो डेफिनेटली। बिल्कुल, आपके फ्रेंड्स रेडी रहिए, आपके फ्रेंड अनुराग जल्दी आपको पार्टी देने वाले हैं। तो गर्लफ्रेंड्स हैं आपकी? अभी तक तो कभी सोचा नहीं इसके बारे में। कोई बात नहीं, तो इन फ्यूचर आप कैसे पसंद करेंगे जो आपकी लाइफ पार्टनर होगी? जो मम्मी पसंद कर दे भाई। चलिए, तो मम्मी का लाडला हम कह सकते हैं हर क्षेत्र से, हर जगह से। ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि माता पिता के बातों को सुनना, उनके कहे दिखाए रास्ते पे चलना, ये हमारी संस्कृति है जो परंपरागत रूप से चल रही है। और आज के यूथ होने के नाते भी अगर आप ये कहते हैं तो बहुत ही सराहनीय बात आप कह रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि जिस वक्त आप वहाँ गए तो वहाँ पे कितने सारे राउंड्स को आपको क्लियर करना पड़ा? जब हम एक्चुअली वहाँ पे गए तो हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ कि हम जब फाइनल स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, बड़े बड़े जजेस आए थे तो उनके सामने हमें परफॉर्म कैसे करना है। तो हमें मेन स्टेज 10 दिन के लिए प्रोवाइड किया गया था। हम लोग सुबह 8 बजे प्रैक्टिस स्टार्ट करते थे और करीब 2-3 बज जाते थे शूट खत्म होने में, और बीच में हमारा पोर्टफोलियोज भी होता था, एडवर्टाइजमेंट्स भी होता था कि जो नेक्स्ट लेवल है उनके लिए हम लोग एड्स भी करते थे वहाँ पे, ताकि हमें प्रिपेयर किया जाता था कि अगर हम मॉडल बनके निकलते हैं तो हमें कैसे प्रोसेस करने चाहिए, कैसे आगे अपने आप को बढ़ाना चाहिए। तो करीब उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पे बहुत मेहनत भी करी है, और वहाँ पे बस हम लोग ऐसे ही करते रहते थे। फिर भी मतलब स्टेज प्रोवाइड किया गया आपको, उसके बाद ग्रूमिंग वगैरह जो भी? हाँ, ग्रूमिंग भी उन्होंने बहुत सिखाया है, उन्होंने हर एक चीज़ को बारीकी से उन्होंने देखा और डिटेल्स निकली, हाँ भाई ये लड़के में ये अच्छा है तो अगर ये ऐसे मेकअप करेगा या फिर ऐसे हेयर रखेगा, ग्रूम करेगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा, इसका जो ग्लो है स्किन का वैसे बाहर आएगा। तो उन्होंने सब कुछ बताया कि कैसे एक मॉडल को या फिर एक इंटरनेशनल जो पेजेंट मिलता है वहाँ पर कैसे अपने आपको ग्रूम करके आगे ले जाया जाए, तो उन्होंने सब कुछ सिखाया है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से जब वो वहाँ पे गए अपने राउंड्स को क्लियर किए, तो आपको कितना कॉन्फिडेंट था कि आप जीत जाएंगे? कॉन्फिडेंट तो था कि मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे जो लड़के थे सभी एक से एक बढ़ के थे, और 90 सिटीज से ऑडिशन हुए थे, 90 सिटीज से जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो पार्टिसिपेट थे, पार्टिसिपेंट्स वो लोग आए थे फाइनलिस्ट, और देर आर टॉप 40 जो फाइनलिस्ट थे वो मेल थे, वो भी अलग अलग जगह से, और वहाँ पे एक्चुअली सीखने के लिए बहुत कुछ मिला, क्योंकि जो 90 सिटीज से आए थे 40 टॉप 20 बॉयज थे, 40 टॉप 40 बॉयज थे, और सब अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वहाँ पे कभी कन्फ्यूजन होता था, कोई मेघालय से था, कोई नागालैंड से भी था वहाँ पे, और कोई आपको उड़ीसा से था, कोई मध्य प्रदेश था, सब अपने अपने लैंग्वेज बोलते थे, कोई कुछ समझ ही नहीं पाता था। तो डिफिकल्ट भी बहुत थी, लेकिन मज़ा भी आता था कि नया कुछ सीखने को मिलता है, नए लोगों से इंटरेक्ट करने को मिलता है। तो एक वहाँ पे जो आपकी एक फ्रेंडशिप हो गई होगी, तो सब जन साथ में रहना, खाना पीना, और सीखना एक जो कला होती है वो हर जगह, आप कहीं ना कहीं आप दुख के समय भी अगर आप पर आए तो वहाँ से भी लोग कुछ ना कुछ अवश्य सीखते ही हैं। हम चाहते हैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो बच्चे अभी देख रहे हैं, जो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, उनको क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगा कि फॉलो योर पैशन, जब तक तुम अपने पैशन को अपना काम नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें लाइफ में मज़ा नहीं आएगा। चाहे कुछ भी करो, अपने पैशन को ही फॉलो करो, क्योंकि जब तुम कोई चीज़ काम करते हो तो तुम्हें उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन अगर वही तुम्हारा हॉबी है, वो तुम्हारा पैशन है, अगर तुम उस फील्ड में जाते हो तो तुम्हें सच में मज़ा भी आएगा काम करने में, तुम्हें वो लाइफ बोरिंग नहीं लगेगी, तो जस्ट फॉलो योर पैशन। तो आप यही मैसेज देना चाहेंगे? हम आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। उससे पहले आप जितने भी आपके फ्रेंड्स या जो भी आपके फॉलोवर्स हैं
जो भी है फैमिलीज वगैरह या फिर आपके मम्मी पापा, उनको आप क्या मैसेज देंगे? और इसी मैसेज के साथ आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। मैं यही बोलना चाहूँगा कि थैंक यू, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं इतने आगे तक कभी सोच भी नहीं सकता कि इतने आगे तक पहुँच जाऊँगा। मेरा जो सपोर्ट रहा है वो मेरा हमेशा फैमिली सपोर्ट रहा है, और स्पेशली मेरी मॉम और मेरे डैड, उन्होंने मुझे हमेशा इतना बूस्टअप किया है कि मैं कभी लाइफ में सोच भी नहीं सकता। और मेरे दादा दादी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और फ्रेंड्स तो वो है जो हमेशा सपोर्ट करते ही रहते हैं, चाहे कि आप कितना भी आगे क्यों ना बढ़े, जो वो एक ही चीज़ बोलेंगे, तू जा मैं हूँ तेरे साथ। तो ऑब्वियसली उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू। तो थैंक यू अनुराग, आपसे मिलकर आपसे बात कर कर बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अनुराग गुप्ता से हम लोग आज के इस इंटरव्यू सेशन में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे बहुत ही अच्छे अच्छे बातें हमने जाना कि किस तरीके से अगर आपको अपने डेस्टिनेशन तक जाना है, पहुंचना है, तो क्या क्या खूबियाँ आप में होनी चाहिए या आप उसको कैसे ग्रूम अप कर सकते हैं, ये सब बातें हमने जानी। और साथ ही साथ एक माता पिता के लिए जो एक प्यार, जो एक संस्कार है, वो बेशक इनके बातों से छलकती है, दिखती हैं। और बस कुछ ही दिन रह गए हैं तो उसके बाद टीचर्स डे आ रहे हैं, तो जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी माता पिता है, जितने भी टीचर्स हैं, उन सभी को हम बहुत बहुत शिक्षक दिवस की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, हमें विदा दीजिए, नमस्कार। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स, सिडवैप्स से आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नु पर्छ। सपना जुन चाहिँ रंगहरूमा देखिन्छ, रंग जुन चाहिँ दीवारमा खेल्छ, कदमको हर आहटमा खुशी देखिन्छ, उम्मीदमा हिता सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दीवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो, धरती देखि आकाश सम्म रंग हो पिया यसको। PIS, Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, The Planet Mall, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For inquiry, call 97334-1141. अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811।